परमात्मा की ऊर्जा में गोते लगाने वाले रहस्यवादियों ने आत्मचेतना के विकास में जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसे सराहने के लिए शब्द बहुत ही सीमित साबित होंगे। हम ऋणी हैं उन सभी पवित्र आत्माओं के जिन्होंने मानव रूप में जन्म ले हमें अपना स्वरूप जानने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा थी जिसके भौतिक शरीर का नाम था श्री अरबिंदो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे श्री अरबिंदो की। एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे श्री अरबिंदो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक कवि, प्रकांड विद्वान और योगी होने के साथ ही एक महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के आध्यात्मिक विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। जब वे 5 साल के थे तब उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया। 2 साल के बाद उन्हें उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की और 18 साल की उम्र में अरबिंदो को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। स्वयं को यूरोपीय क्लासिक के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर उन्होंने वर्ष 1893 में अरबिंदो भारत लौट आए और बड़ौदा के एक राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हो गए, जहाँ एक ओर ग्रीक और लैटिन भाषाओं में उन्हें निपुणता प्राप्त थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन भी किया। बंगाल के विभाजन के बाद वे बंगाल नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे और तत्पश्चात वो क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया और निर्भीक होकर तीक्ष्ण संपादकीय लेख लिखे। उन्होंने ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश न्यायालय और सभी ब्रिटिश चीजों के बहिष्कार का खुला समर्थन किया। साथ ही लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा। अलीपुर बम केस श्री अरबिंदो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। एक वर्ष के लिए श्री अरबिंदो अलीपुर जेल के एक गंदे सेल में वे कैद थे, जहां पर उन्होंने अपने भविष्य के जीवन का सपना देखा और जहां भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया। बाबू चितरंजन दास ने श्री अरबिंदो का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद श्री अरबिंदो को बरी कर दिया गया। अपने कारावास के दौरान उन्होंने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया और इसके पश्चात वे कलकत्ता छोड़ पौंडिचेरी में बस गए। पौंडिचेरी में वह अपने एक दोस्त के घर पर रुके। शुरुआत में वह अपने 4-5 साथियों के साथ रहे, मगर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और एक आश्रम की स्थापना हुई। पौंडिचेरी में 4 साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद श्री अरबिंदो ने आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। श्री अरबिंदो का लक्ष्य दुनिया में परमात्मा की इच्छा को संपन्न करना और एक आध्यात्मिक परिवर्तन लागू करना था। साथ ही मानसिक, मार्मिक तथा भौतिक जगत और मानव जीवन में दिव्य शक्ति का प्राकट्य था। वे जब भारत आए तब वे आध्यात्मिक विषयों से बिल्कुल अनजान थे। भारत की धरती पर पांव रखते ही श्री अरबिंदो ने अनुभव किया कि उन पर एक गंभीर शांति का अवतरण हुआ है और वह शांति उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। स्वयं उन्होंने एक चर्चा में बताया था कि भारत आने के बाद से मेरा जीवन और मेरा योग दोनों ही एक साथ लौकिक और परलौकिक रहे हैं। अपोलो बंदरगाह पर पैर रखते ही मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगी थीं, लेकिन ये संसार से परे ले जाने वाली अनुभूतियां नहीं थी। एक बार श्री अरबिंदो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी कमाटी बाग के पास आई तब उनके अंतर में अचानक ऐसा लगा
कि घोड़ा एक कदम भी आगे बढ़ा तो दुर्घटना हो जाएगी। उनके अंतर्मन में इस दुर्घटना का दृश्य एक क्षण में स्पष्ट हो गया, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनके अंदर से एक तेजोमय पुरुष बाहर आया, घोड़े की लगाम हाथ में लेकर खींची और घोड़े पर काबू कर लिया और घोड़ा वहीं रुक गया, वह एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। श्री अरविंदो का भारत में आगमन एक आध्यात्मिक अनुभूति से हुआ, परम शांति के अपने भीतर अवतरण के साथ ही एक दूसरी अनुभूति भी हुई। दार्जिलिंग के स्कूल में उन्हें जिस तमस ने घेर लिया था, जो कि इंग्लैंड में निवास के दौरान भी रहा, वह इस शांति के आते ही चला गया। शरीर छोड़कर चली गई आत्माओं को जगत में बुलाकर उनके साथ संपर्क हो सकता है, इसका अनुभव भी श्री अरविंदो को बड़ौदा में ही हुआ। वे प्लेन चिट के प्रयोग द्वारा टेबल पर टकोर करके उसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते थे। वे प्लेन चिट के द्वारा आत्माओं को बुलाते। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस की आत्मा को बुलाया गया, वो कुछ बोले नहीं। जाते जाते उन्होंने मात्र इतना कहा, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। उस समय भवानी मंदिर की योजना सबके मन में चल रही थी, इसलिए इन शब्दों का अर्थ भवानी मंदिर का निर्माण करो ऐसा सभी ने लिया। परंतु वर्ष बाद यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद श्री अरविंदो ने इन शब्दों का सही अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाओ का अर्थ है कि तुम अपने अंदर माँ का मंदिर बनाओ, अपने आप को ऐसा रूपांतरित कर दो कि वहां मंदिर का रूप बन जाए। पत्थर की मूर्ति में भगवान हो सकते हैं, श्री अरविंदो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। परंतु एक बार वे एक छोटे काली मंदिर में गए, वहां उन्होंने माँ काली की पाषाण प्रतिमा देखी और देखा तो वह मात्र पाषाण प्रतिमा न थी, अपितु साक्षात माँ काली थी। इस आध्यात्मिक अनुभव से मूर्ति पूजा के विषय में उनकी शंका निर्मूल हो गई। तो इस प्रकार अनायास ही हुए इस आध्यात्मिक अनुभव ने श्री अरविंदो के मन में आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण जगा दिया। इन आध्यात्मिक अनुभूतियों ने श्री अरविंदो को योग के गहरे आयामों को जानने के लिए प्रेरित किया, जिससे योग में श्री अरविंदो की रुचि जागी। वे संसार का त्याग करके योग मार्ग पर जाने के बिल्कुल भी इच्छुक ना थे। उस समय तो उनका एकमात्र ध्येय भारत की स्वतंत्रता था और इस कार्य के लिए उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस बात के लिए तब वे और भी अधिक प्रेरित हुए जब उनके छोटे भाई वीरेंद्र भवानी मंदिर की स्थापना के लिए विंध्य के जंगल गए थे, परंतु वहां वे विषैले बुखार से ग्रस्त हो गए और उस बुखार की दशा में ही बड़ौदा वापस आए। यह बुखार किसी भी प्रकार से उतर नहीं रहा था। उसी समय एक नागा सन्यासी श्री अरविंदो के घर आया। वीरेंद्र बिगड़ी हुई स्थिति में वहीं सोए हुए थे, तभी नागा सन्यासी की दृष्टि उन पर पड़ी और उसने श्री अरविंदो से पूछा कि यह कौन सोया है। तब उन्होंने बताया कि वीरेंद्र के स्वास्थ्य की स्थिति काफी चिंताजनक है। नागा साधु ने एक प्याला भर जल मंगाया तथा उसे मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किया और उसे वीरेंद्र को पीने के लिए दिया। तत्पश्चात वीरेंद्र का बुखार उतर गया। इस घटना से श्री अरविंदो ने यह अनुभव किया कि योग शक्ति का व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना इस शक्ति का प्रयोग देश की स्वतंत्रता के लिए किया जाए। श्री अरविंदो ने विधिवत रूप से योग साधना आरंभ करने का संकल्प लिया। प्राणायाम को विशेष योग पद्धति के रूप में जाना जाता था, तो फिर श्री अरविंदो ने अपनी योग साधना का प्रारंभ प्राणायाम से ही किया। उनके मित्र देवधर स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य थे, वे प्राणायाम के सतत अभ्यासी थे। श्री अरविंदो ने इनसे ही प्राणायाम की विधिवत पद्धति सीखी और वे प्रतिदिन लगभग 5 घंटे प्राणायाम करते हैं। वे सुबह 3 घंटे तथा शाम को 2 घंटे अभ्यास करते हैं। इस प्राणायाम की शक्ति का अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, मेरा अनुभव है कि इससे बुद्धि और मस्तिष्क प्रकाशमय बनते हैं। जब मैं बड़ौदा में प्राणायाम का अभ्यास करता था
तो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे करता था। तब मन में बहुत प्रकाश और शांति छा गई। ऐसा महसूस होता था, मैं उस समय कविता लिखता था, पहले रोज 5-6 पंक्तियाँ और महीने में 200 पंक्तियाँ लिख जाती थी। प्राणायाम के बाद मैं 200 पंक्तियाँ आधे घंटे में लिख सकता था। मेरी स्मरण शक्ति पहले मंद थी, प्राणायाम के अभ्यास के बाद जब प्रेरणा होती तब सभी पंक्तियाँ अनुक्रम के अनुसार याद रख लेता। साथ ही मुझे मस्तिष्क के चारों ओर विद्युत शक्ति का चक्र अनुभव होता। प्राणायाम करने के बाद अथक प्रयास करने की शक्ति भी मुझ में आ गई। पहले बहुत काम करने पर थकान लगती थी, परंतु प्राणायाम से शरीर स्वस्थ हो गया। एक बात और, प्राणायाम करते समय मच्छर बहुत हों तो भी मेरे पास नहीं फटकते थे। श्री अरबिंदो ने मांसाहार का त्याग कर दिया तथा 1 माह के भीतर ही सूक्ष्म जगत आंखों के सामने प्रकट होने लगा, अंतर्दृष्टि जागृत होने लगे। 30 दिसंबर 1907 में श्री अरबिंदो बड़ौदा आए और यहीं पर उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के सिद्ध योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से हुई। उन्होंने गिरनार पर्वत पर कठोर साधना की थी। भगवान दत्तात्रेय की साधना करते हुए उन्हें भगवान दत्तात्रेय के बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे तथा योग विद्या भी उन्हीं की कृपा से मिली थी। वे वीरेंद्र को नवसारी में मिले थे। बड़ौदा में खासीराव यादव के घर पर श्री अरबिंदो तथा योगी लेले की मुलाकात हुई। वहां दोनों ने लगभग आधे घंटे बातचीत की तथा श्री अरबिंदो से उन्होंने कहा कि साधना में निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें राजनीतिक प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा। तब श्री अरबिंदो ने कुछ दिनों के लिए राजनीतिक प्रवृत्ति छोड़ दी और उनकी योग साधना नए आयामों की ओर मोड़ चली। इस विषय में श्री अरबिंदो ने स्वयं लिखा है, योगी लेले ने मुझसे कहा, बैठ जाओ, देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे विचार बाहर से तुम्हारे भीतर आते हैं, उनके घुसने से पहले ही उन्हें दूर फेंक दो। मैं बैठ गया और देखा, यह जानकर चकित रह गया कि सचमुच बात ऐसी ही है। मैंने स्पष्ट रूप से देखा और अनुभव किया कि विचार पास आ रहा है, मानो सिर के भीतर से या ऊपर से घुसना चाहता हो, और उसके भीतर आने के पूर्व ही मैं स्पष्ट रूप से उसे पीछे धकेल देने में सफल हुआ। 3 दिन में, वस्तुतः एक ही दिन में, मेरा मस्तिष्क शांत हो गया और वह शांति अभी तक विद्यमान है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि किस प्रकार अकल्पनीय ढंग से मुझे निर्वाण का अनुभव हुआ। बहुत लंबे समय तक यह अनुभव मेरे अंदर रहा। मुझे लगा कि अब मैं चाहूं भी तो भी उससे छूट नहीं सकता। दूसरी प्रवृत्तियों में लगे रहने पर भी यह अनुभव मुझमें स्थायी रूप से बना रहता। इस अनुभव से श्री अरबिंदो का मानस जगत समाप्त हुआ तथा ब्रह्म जगत उदित हो गया। अब उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई। 3 ही दिन में चेतना इतनी परिवर्तित हो गई या इतनी परिवर्तित हो जाएगी, इसका ध्यान न लेले को था, न ही स्वयं श्री अरबिंदो को। इस बारे में श्री अरबिंदो ने लिखा है, प्रथम फल था अत्यंत शक्तिशाली अनुभूतियों की एक श्रृंखला और चेतना में कुछ ऐसे आमूल परिवर्तन जिनकी श्री लेले ने कल्पना भी न की थी और जो मेरे निजी विचारों के सर्वथा विपरीत थी। वेदांत दर्शन की चरमावस्था साधना का प्रथम सोपान बना। परंतु श्री अरबिंदो को एक समस्या का भी अनुभव हुआ, क्योंकि जो ही वे 3 दिन बाद ध्यान की अवस्था से बाहर आए, उन्हें मुंबई के राष्ट्रीय पक्ष की ओर से भाषण देने का निमंत्रण मिला। परंतु श्री अरबिंदो की समग्र चेतना नीरव ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुकी थी, वे बोलते भी तो क्या बोलते। यह समस्या श्री अरबिंदो ने योगी लेले के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि सभा में जाकर सभी श्रोताओं को नारायण मानकर नमस्कार करो और फिर ऊपर से आने वाली प्रेरणा के लिए शांत होकर प्रतीक्षा करो, तुम्हें जो बोलना होगा वह वाणी अपने आप उतर आएगी। योगी लेले और श्री अरबिंदो दोनों में से किसी को यह पता नहीं था कि परमात्मा का महान कार्य करने की पूर्ण तैयारी का यह तो प्रथम चरण था। अब श्री अरबिंदो 24 घंटे ध्यान की स्थिति में रहते और सारे कार्य अंतर्यामी के आदेश से होने लगे। श्री अरबिंदो ने अपनी इस बदली हुई स्थिति के बारे में
एक पत्र मृणालिनी को बताया था। तुमसे मिलने के लिए 4 जनवरी का दिन सुनिश्चित था, पर मैं आ ना सका। यह मेरी अपनी इच्छा से ना हुआ। जहां भगवान मुझे ले जाना चाहते हैं, मुझे वहीं जाना पड़ता है। उस समय मैं अपने काम से नहीं गया था, भगवान के काम से गया था। मेरे मन की दशा एकदम बदल गई है। अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं मेरा स्वामी नहीं हूं। उच्च साधना के लिए श्री अरविंदो 1926 में एकांत में चले गए। 1926 से 38 तक का 12 वर्ष का जीवन उनके जीवन काल का अभेद्य समय था। उनके सेवक श्री चंपक लला और माता जी के सिवाय उस एकांत में किसी को प्रवेश की अनुमति ना थी। एक दुर्घटना जिसमें उनके जांघ की हड्डी टूट गई, कुछ शिष्यों को उनके करीब जाने का अवसर मिला। 6 माह में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु प्राणपण से सेवा करने वाले शिष्यों को वे विदा ना कर सके। 1938 से 1950 दूसरा 12 वर्ष का समय श्री अरविंदो की साधना काल का अनोखा समय था। सुबह 9-10 बजे तक वे हिंदू समाचार पत्र पढ़ते और फिर दोपहर 3-4 बजे तक लंबा विराम होता, जिसमें वे विशेष योग साधनाएं करते। वे अक्सर आराम कुर्सी पर या बिस्तर पर खुली आंखों से जागृत समाधि का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, श्री अरविंदो जैसी उच्च कोटि की आत्मा हमारे बीच आई और हमें आत्म अनुसंधान के मार्ग पर चलने का उपदेश देकर अपने धाम को वापस लौट गई। मगर क्या हम तैयार हैं स्वयं की खोज के लिए? क्या हम तैयार हैं ब्रह्म की अनुभूति के लिए? महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।